Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the fifth session of Git and GitHub series by Flutter Labs. हमारा इस सेशन का मेन मकसद मर्ज एंड मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों रिजॉल्व अराइज होता है, व्हाई दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस एंड देन हाउ टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू मिनिमाइज दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, सही है? क्योंकि जब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो उनको रिजॉल्व करना उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, सही है? जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके पास जब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो देन देट कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल फाइल्स, उसको मैनुअली जाके फिर सही रिजॉल्व करना होता है एंड देन कहीं जाके यू आर एबल टू मर्ज योर कोड प्रॉपरली, सही है? बट एनी हाउ विल गो through all these questions step by step. So first of all, हम आते हैं कि जो conflicts हैं वो हमारे पास क्यों arise होते हैं और conflict क्या है, सही है? Conflict actually जब आप हम दो branches को आपस में merge करते हैं, जो कि हमने last session में practically किया था कि हम दो branches को, let's suppose हमारे पास dev branch है उसको master branch में हम कैसे merge करते हैं, सही है? So वो automatically merge हो जाता है, सही है? जब आपके पास कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जब ऑटो मर्ज का जो सिस्टम है गिट का वो फेल हो जाए. वो फेल क्यों होता है? लेट्स सपोज आपके पास जो पेरेंट ब्रांच है जहां से आपने एक ब्रांच क्रिएट की थी, नई ब्रांच, सही है? सो उन दोनों में जो कोड मौजूद है उसमें आपस में कोई कन्फ्लिक्ट है, सही है? लेट्स सपोज एक जगह पे लाइन एक जैसी है, दूसरी जगह पे लाइन दूसरी जैसी है, सही है? सो वहां पर जो गिट का सिस्टम है वो गेट कन्फ्यूज्ड कि अब इसमें से कौन सा कोड मैं रिमूव कर दूं और कौन सा कोड मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, सही है? सो इन दैट केस गिट एक आपको एक ऑप्शन देता है, एक आपके लिए एक कन्फ्लिक्ट अराइज करता है, सही है? एंड आपको फोर्स करता है कि आप खुद जाके उस कोड को चेक करें. जो कोड आपने रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर दें और जो कोड आपने छोड़ना है या जो कोड आपने नया ऐड करना है उसको आप नया ऐड कर दें या उसको जो भी प्रोसेस है वो आप फॉलो करें, सही है? सो कॉन्फ्लिक्ट अराइज का जो मेन वजह है वो ये है कि जब आपके पास जो पेरेंट ब्रांच होती है उसमें आप कोई चेंजेस कर लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कोई पेरेंट ब्रांच है, लेट्स सपोज मास्टर है, उससे हमने एक नई ब्रांच क्रिएट कर दी डेफ के नाम से, सही है? सो जब आपने डेफ ब्रांच क्रिएट कर दी है सो देन आफ्टर दैट हम मास्टर में डायरेक्टली जाके कोई चीज को चेंजेस ऐड कर देते हैं, सही है? जो कि हमारे पास राइट नाउ डेव में नहीं थी, सही है? क्योंकि हमने डेव उस टाइम से उस चेकआउट की थी तो वो चेंजेस डेव में नहीं थी, सही है? जब हम दोबारा आके डेव को दोबारा वापस मास्टर में मर्ज करते हैं तो वहां पर सिस्टम कंफ्यूज होता है कि यार यहाँ पर तो ये चेंजेस नहीं है जबकि मास्टर में ये चेंजेस मौजूद है, सही है? सो अब मैं क्या करूं, आया इन चेंजेस को छोड़ दूं या इन चेंजेस को मैं रिमूव कर दूं, सही है? मतलब वहां पे वो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है. सो इन दैट केस आपके आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, सही? ये मेन रीजंस हैं कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, सही है? अब हम आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं, सही? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज करके दूंगा एंड देन उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, सही है? सो राइट नाउ हमारे पास ब्रांचेस हैं, डेव है, मास्टर है. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, मैं फीचर वन एंड फीचर टू का जो ब्रांच है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सही है? सो ब्रांच को डिलीट करने का प्रोसेस ये है कि गेट ब्रांच डैश डी एंड ब्रांच का नाम लिखते हैं फीचर वन. सो फीचर वन ब्रांच डिलीट हो गया है, सही है? फीचर टू भी मैंने डिलीट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, ये देखें फीचर वन का ब्रांच डिलीट हो चुका है, सही है? अगर आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो आप रख लें. फॉर नाउ मेरे पास कोई रीजन नहीं है फीचर टू को रखने की, सही है? सो दैट्स व्हाई आई एम डिलीटिंग इट. गेट ब्रांच डैश डी फीचर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो कोड डेफ में मौजूद है, फीचर टू. सो फीचर टू को भी मैंने डिलीट कर दिया है. अभी मैं ब्रांचेस देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ब्रांचेस हैं. मेरे पास डेफ है एंड मास्टर है. राइट नाउ डेफ को भी मैं रिमूव कर दूंगी, उसको मैं ऑलरेडी मास्टर में मर्ज कर चुका हूँ, सही है? सो गेट चेकआउट, सॉरी गेट ब्रांच डैश डी डेफ, डेफ को भी मैंने डिलीट कर दिया है, सही है? अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मास्टर ब्रांच अगर देख लें, आपके पास जस्ट एक मास्टर ब्रांच है, सही है? डेफ सारे ब्रांचेस मैंने डिलीट कर दिए हैं यहाँ से. अब लेट्स सपोज हमने करना क्या है, मैं इस मास्टर ब्रांच से मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करता हूँ, गेट चेकआउट डैश बी डेफ के नाम से, सही है? डेफ ब्रांच मैंने एक क्रिएट कर दी है मास्टर से, सही है?
बट स्टिल सॉरी, मैं दोबारा आता हूँ, गेट चेकआउट मास्टर, मैं मास्टर ब्रांच पे वापस आ गया हूँ, सही है, चेक करने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं गेट चेकआउट मास्टर, सही है। अब मास्टर में देख ले, मास्टर मेरे पास ये कोड था, सही है, और जब मैं डेव में चेकआउट होता हूँ तो ये सेम कोड वहां पे भी आया हुआ होगा, सही है, गेट चेकआउट, इसको डायरेक्टली कर देते हैं, गेट चेकआउट डेव, सही है। सो ये सारा ये सेम कोड डेव में भी आया हुआ है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा, लेट्स सपोज मैं आता हूं वापस मास्टर में, मैं मास्टर में वापस चेकआउट हुआ हूं, सही है। अब यहां पर इस मास्टर ब्रांच में मैं क्या कर देता हूं, मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूं, फीचर वन था ना, सो फीचर वन का जो स्पेलिंग है उसको मैं चेंज कर दिया मैंने, सही है, इसको मैं सेव कर दिया है, सही है। और राइट नाउ मैं मास्टर ब्रांच पे हूं ना, इसमें मैं ये कॉमेंट एड कर देता हूँ, गिट एट गिट कॉमेंट डैश एम फीचर वन changed, सही है। सो मैंने क्या किया है राइट नाउ, मैंने मैंने फीचर वन चेंज कर दिया था, सही है, मास्टर में मैंने फीचर वन चेंज कर दिया है, जबकि मैं वापस अब देख लें, इसमें फीचर वन चेंज्ड है, सही है। अब मैं जब गेट चेकआउट डेफ, मैं डेफ पे चेकआउट होता हूँ, डेफ में देखता हूँ, सो यहाँ पर फीचर वन हमारे पास चेंज्ड है, सही है। अब फीचर वन चेंज था, सही है, मैं क्या करता हूँ डेफ में यहाँ पर आके लेट सपोज मैं फीचर थ्री ऐड करता हूँ, सही है, फीचर थ्री डन, गेट एट कॉमेट फीचर थ्री डन, सही है, फीचर थ्री डन हो गया है, सही है। अब यहां पर होगा क्या मसला, मसला ये होगा कि यहां पर चूंकि जब मैंने ब्रांच चेकआउट की थी तो फीचर वन इस फॉर्म में था, सही है। अब फीचर थ्री तो मैंने नया ऐड की, इसका तो कोई मसला नहीं होगा वहां पर, सही है, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, सही है। अब यहां पर देख लें, लेट सपोज ये हमारे पास फीचर डेफ ब्रांच है ना, मैं वापस चेकआउट होता हूँ, गेट चेकआउट मास्टर, इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं, सही है। अब यहां पर फीचर वन डिफरेंट है, वहां पे फीचर वन डिफरेंट है, सही है। अब मैं मास्टर पे आया हूँ ना, अब मैं अगर मैं अब ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा इस दोनों ब्रांचेस को आपस में मर्ज करने की, सो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। कन्फ्लिक्ट अराइज इसलिए होगा कि अब यहाँ पर सिस्टम कंफ्यूज होगा कि हमारे पास एक टाइम तो फीचर वन मास्टर में डिफरेंट है और जो डेफ है उसमें डिफरेंट है, अब यहाँ पर क्या करना है, सही है। सो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है, जो गेट का सिस्टम है, वो कंफ्यूज हो जाता है, और ये कंफ्यूज नहीं हो जाता, बट दिस इज अ फीचर के ये अब आपको ऑप्शन देगा कि आया आपने कौन से वाला रखना है, कौन से वाला डिलीट करना है, सही है। अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, गेट मर्ज डेफ, तो मैं मास्टर पे हूं राइट नाउ, सो मैं डेफ को मास्टर में मर्ज करने की कोशिश करूंगा, सही है। तो जब मैंने डेफ को मास्टर में मर्ज करने की कोशिश की है, तो आप लोग यहां पर देख लें कन्फ्लिक्ट, यहां पर कन्फ्लिक्ट राइज हो गया है, सही है। मर्ज कन्फ्लिक्ट इन टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ऑटोमेटिक मर्ज फेल, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द रिजल्ट, सही है। मतलब जो ऑटोमेटिक मर्ज था वो फेल हो गया है यहाँ पर, क्योंकि वो कंफ्यूज था, कंफ्यूज कहाँ पे था, कंफ्यूज अभी हम अब ये है यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, सही है। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि मर्ज कन्फ्लिक्ट जिस इस फाइल में कन्फ्लिक्ट होगा वो यहाँ पर आपको बता देगा कि मर्ज कन्फ्लिक्ट इन टेस्ट डॉट टी एक्स टी, सो टेस्ट डॉट टी एक्स टी जो फाइल है इसमें मर्ज कन्फ्लिक्ट था, सही है। अभी यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर आपको ये क्या बता रहा है, आपके पास जो हेड है, हेड का मतलब जो किस ब्रांच पे आप राइट नाउ है, राइट नाउ हम मास्टर ब्रांच पे है, तो आपको वो हेड बता रहा है, सही है। आपको बता रहे कि यार हेड में आपके पास ये कोड है, सही है, मतलब सारा मसला इस लाइन का है, बाकी ये लाइन थ्री का मसला नहीं है, सही है। अब वो कह रहा है कि यार हेड में आपके पास ये कोड है और आपके पास डेफ में ये कोड है, सही है। अब यहां पर सिस्टम कंफ्यूज है कि यार आपने ये कोड, आपको ये वाला कोड चाहिए या आपको ये वाला कोड चाहिए, सही है। सो इसको मैनुअली रिजॉल्व करना होता है, सही है, फाइल में जाके मैनुअली रिजॉल्व करना होता है, सही। मैनुअली मैं क्या रिजॉल्व करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने चेंज किया था, इसको मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ, सही है, और बाकी जो तीन लाइंस है उसको मैं उस तरह छोड़ देता हूँ, सही है। लेट समझ, मैं चाहता हूँ कि यार फीचर वन जो मैंने मास्टर में चेंज किया था उसको मैं वही चेंज छोड़ दूँ, सही है। सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूंगा इस तरह, इस कोड को मैंने रिमूव कर दिया है, सॉरी, ये जो हेड की चीजें हैं इसको आप रिमूव कर दें, यहाँ से ये भी रिमूव कर दें, सही है।
ये सारे चेंजेस हो गए। अब कन्फ्लिक्ट मैंने यहाँ पर मैनुअली जाके मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैनुअली जाके मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये फीचर, ये जो मैंने चेंज फीचर बनता है इसको मैं छोड़ दूँ, सही है, जो पुराना फीचर था उसको मैं रिमूव कर दूँ वहाँ से। सो मैनुअली इसको मैंने सेट किया है यहाँ पर, सही है, इसको आप सेव करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोबारा इसको एक कॉमेंट एड करेंगे, गिट एड एंड गिट कॉमेंट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, सही है। अब हमारे पास क्या हो गया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है, सही है। सो यहां पर ये था कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है और कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास अराइज क्यों होता है वो भी डिस्कस हो गया है, एंड कॉन्फ्लिक्ट को हमने रिजॉल्व कैसे करना है वो भी डिस्कस हो गया है, सही है। सो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आप मैनुअली फाइल में जाके उसको रिजॉल्व करना होता है, सही है। वहां पे आपके पास वो दोनों कॉपीज वो आपके पास आ जाती है, आपको बताते हैं कि यार ये आपका करंट ब्रांच का कोड है और ये जो आप मर्ज कर रहे हैं उसका कोड है, इसमें आपने जो रिमूव करना है वो रिमूव कर दें, जो आपने ऐड करना है वो उसमें से ऐड कर दें, सही है। सो मैनुअली उसको रिजॉल्व करना होता है। सो यहां पर हमने एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मैनुअली रिजॉल्व कर दिया है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, सही है। सो कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना, आप जब भी कोई नया ब्रांच, मतलब आप जब भी कोई चेंजेस कर रहे हो, सो आप कोशिश करें कि पेरेंट ब्रांच ब्रांच में डायरेक्टली कमेंट्स ना करें। लेट्स सपोज एक ब्रांच है हमारे पास, मास्टर ब्रांच है, सही है, जिससे आप नए ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, तो आप डायरेक्टली मास्टर ब्रांच में डायरेक्ट कमेंट ना करें, सही है। आप अगर वहां पर डायरेक्ट कमेंट्स करेंगे तो उसकी वजह से मोस्टली आपके पास ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, सही है, क्योंकि आपने उससे एक नया ब्रांच लिया होगा और नए ब्रांच में जो नया कमेंट आपने किया हुआ है ये उसमें मौजूद नहीं होगा, सो वहां पे उसका कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, सही है। सो बेहतर तरीका क्या है कि आप जब भी आपने कोई किसी पेरेंट ब्रांच पे कुछ चेंजेस करनी है या आपने कुछ कोड ऐड करना है, रिमूव करना है या कोई इशू रिजोल्व करना है, सो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उससे एक नया ब्रांच क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंट्रोड्यूसिंग कॉमेंट्स इन द पेरेंट ब्रांच, सही है। सो यहाँ पर हमारे पास पेरेंट ब्रांच जो था वो मास्टर ब्रांच था और डेव हमने एक चाइल्ड ब्रांच बनाया था, सही है। सो आई होप सो कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाते हैं, सही। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, एंड दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस सेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।